बीसीसीआई ने आधिकारिक अपडेट देते हुए बताया है कि मोहम्मद शमी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं, जबकि दीपक चहर ने वनडे सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया है। बीसीसीआई ने दीपक चहर के रिप्लेसमेंट का भी ऐलान किया है और साथ ही बताया है कि श्रेयस अय्यर साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे और तीसरे वनडे में उपलब्ध नहीं रहेंगे। बोर्ड ने राहुल द्रविड़ को लेकर भी बताया कि वनडे सीरीज में वह टीम के साथ नहीं होंगे, वह टेस्ट पर फोकस करेंगे। बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक बयान में दीपक चहर को लेकर बताया, दीपक चहर ने बीसीसीआई को सूचित किया है कि वह पारिवारिक चिकित्सा आपातकाल के कारण आगामी वनडे सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। चयन समिति ने उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर आकाशदीप को वनडे स्क्वाड में शामिल किया। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी चोट के कारण टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं, वह पूरी तरह फिट नहीं है। बीसीसीआई ने अपने बयान में बताया कि मोहम्मद शमी, जिनकी टेस्ट श्रृंखला में भागीदारी फिटनेस पर निर्भर थी, को बीसीसीआई मेडिकल टीम ने मंजूरी नहीं दी है और तेज गेंदबाज को दो टेस्ट मैचों से बाहर कर दिया गया है। श्रेयस अय्यर टेस्ट स्क्वाड में शामिल, राहुल द्रविड़ वनडे सीरीज में नहीं होंगे उपलब्ध। भारतीय बल्लेबाज श्रेयस साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे स्क्वाड में थे, लेकिन बीसीसीआई ने अपने बयान में बताया कि वह दूसरे और तीसरे वनडे में उपलब्ध नहीं होंगे। बोर्ड के आधिकारिक में बताया कि 17 दिसंबर को जोहान्सबर्ग में पहले वनडे के समापन के बाद श्रेयस अय्यर टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए टेस्ट टीम में शामिल होंगे, वह दूसरे और तीसरे वनडे के लिए उपलब्ध नहीं होंगे और इंटर स्क्वाड गेम का हिस्सा लेंगे। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़, बल्लेबाज कोच श्री विक्रम राठौर, गेंदबाज कोच पारस ब्रह्माणे और फील्डिंग कोच टी दिलीप टेस्ट टीम के साथ जुड़ेंगे और अंतर स्क्वाड गेम और टेस्ट के लिए उनकी तैयारियों की देखरेख करेंगे। वनडे टीम को भारत ए के कोचिंग स्टाफ द्वारा सहायता दी जाएगी, जिसमें बल्लेबाज कोच सिद्धांशु कोटक, गेंदबाजी कोच राजीव दत्ता और फील्डिंग कोच अजय राय। बीसीसीआई ने आधिकारिक अपडेट देते हुए बताया है कि मोहम्मद शमी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं, जबकि दीपक चहर ने वनडे सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया है। बीसीसीआई ने दीपक चहर के रिप्लेसमेंट का भी ऐलान किया है और साथ ही बताया है कि श्रेयस अय्यर साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे और तीसरे वनडे में उपलब्ध नहीं रहेंगे। बोर्ड ने राहुल द्रविड़ को लेकर भी बताया कि वनडे सीरीज में वह टीम के साथ नहीं होंगे, वह टेस्ट पर फोकस करेंगे। बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक बयान में दीपक चहर को लेकर बताया, दीपक चहर ने बीसीसीआई को सूचित किया है कि वह पारिवारिक चिकित्सा आपातकाल के कारण आगामी वनडे सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। चयन समिति ने उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर आकाशदीप को वनडे स्क्वाड में शामिल किया है। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी चोट के कारण टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं, वह पूरी तरह फिट नहीं है। बीसीसीआई ने अपने बयान में बताया कि मोहम्मद शमी, जिनकी टेस्ट श्रृंखला में भागीदारी फिटनेस पर निर्भर थी, को बीसीसीआई मेडिकल टीम ने मंजूरी नहीं दी है और तेज गेंदबाज को दो टेस्ट मैचों से बाहर कर दिया गया है। श्रेयस अय्यर टेस्ट स्क्वाड में शामिल, राहुल द्रविड़ वनडे सीरीज में नहीं होंगे उपलब्ध। भारतीय बल्लेबाज श्रेयस साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे स्क्वाड में थे, लेकिन बीसीसीआई ने अपने बयान में बताया कि वह दूसरे और तीसरे वनडे में उपलब्ध नहीं होंगे। बोर्ड के आधिकारिक में बताया कि 17 दिसंबर को जोहान्सबर्ग में पहले वनडे के समापन के बाद श्रेयस अय्यर टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए टेस्ट टीम में शामिल होंगे, वह दूसरे और तीसरे वनडे के लिए उपलब्ध नहीं होंगे और इंटर स्क्वाड गेम का हिस्सा लेंगे। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़, बल्लेबाज कोच श्री विक्रम राठौर, गेंदबाज कोच पारस ब्रह्माणे और फील्डिंग कोच टी दिलीप टेस्ट टीम के साथ जुड़ेंगे और अंतर स्क्वाड गेम और टेस्ट के लिए उनकी तैयारियों की देखरेख करेंगे। वनडे टीम को भारत ए के कोचिंग स्टाफ द्वारा सहायता दी जाएगी, जिसमें बल्लेबाज कोच सिद्धांशु कोटक, गेंदबाजी कोच राजीव दत्ता और फील्डिंग कोच अजय रात्रा शामिल।